देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी 10 अक्टूबर को लाओस की राजधानी वियतनाने का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान मोदी लाओस की मेजबानी में होने जा रहे 21वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन और 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। संपत्ति की रजिस्ट्री कराने के लिए अब गवाह को साथ लेकर आने की जरूरत नहीं है। कई दस्तावेजों के पंजीयन के लिए उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होने की जरूरत भी नहीं रहेगी। आपको बता दें कि खरीदार और विक्रेता की पहचान ईकेवाईसी के जरिए हो सकेगी। राज्य सरकार ने आज यानी 10 अक्टूबर को ये नियम लागू किए। सीकर में पूर्व सैनिक व उनके आश्रितों के लिए मासिक समस्या समाधान शिविर आज यानी 10 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक ग्राम पंचायत खीरवा में लगाया जाएगा। बता दें कि जिला सैनिक कल्याण अधिकारी सीकर कर्नल विजेंद्र सिंह मेला ने बताया कि शिविर में सभी पूर्व सैनिक शामिल होंगे। बहुप्रतीक्षित फिल्म भूल भुलैया 3 का ट्रेलर प्रतिष्ठित राजमंदिर सिनेमा में आज यानी 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा। बता दें कि फिल्म 1 नवंबर 2024 को दिवाली के दौरान सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। राजधानी दिल्ली की टॉप यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी प्रोग्रामों में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बता दें कि जेएमआई से इंटरनेशनल स्टडीज इंजीनियरिंग के कई स्ट्रीम सहित लॉ कॉमर्स मास कम्युनिकेशन और टूरिज्म जैसे दर्जनों विषयों में पीएचडी किया जा सकता है। जिला चिकित्सालय में मानसिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग शिविर आज यानी 10 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। बता दें कि सीएमएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार डेहरिया ने बताया कि जिला चिकित्सालय में आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सीकर के शेखपुरा मोहल्ले में बाबा रामदास बगीचे के पास चल रही जन कल्याणी दुर्गा पूजा में आज यानी 10 अक्टूबर को महाआरती की जाएगी। आपको बता दें कि राम गोपाल गोपी व राम स्वरूप शर्मा ने बताया कि 56 भोग व संगीतमय हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा। महिलाएं अपने घर से 2-2 दीपक लेकर आएंगी। बूंदी में सर्व ब्राह्मण महासभा महिला मंडल की ओर से आज यानी 10 अक्टूबर को निजी होटल में डांडिया महोत्सव मनाया जाएगा। बता दें इसमें समाज बंधुओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए घर घर जाकर महिला मंडल पीले चावल वितरण करती है। राजगढ़ शहर के पूरा मोहल्ला से शिव संतोषी माता मंदिर पर महाकाल ग्रुप द्वारा हर साल की तरह नवरात्रि में इस बार भी विशाल नगर भंडारे का आयोजन होगा। बता दें कि आयोजन समिति सदस्य द्वारा सिंह जाट एवं अन्य ने बताया कि इस साल निरंतर 22वें वर्ष होने वाले भंडारे का आयोजन आज होगा। आज यानी 10 अक्टूबर से देश के 10 राज्यों में भारी से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि IMD के अनुसार केरल, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय में बारिश हो सकती है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए नगर डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1737 में आज ही के दिन कलकत्ता में सबसे खतरनाक चक्रवात तूफान आया था। साल 1954 में आज ही के दिन भारतीय फिल्म और टीवी कलाकार मिथिलेश चतुर्वेदी का जन्म हुआ था। साल 1973 में आज ही के दिन राजस्थान के भूतपूर्व 6वें मुख्यमंत्री बरतुल्ला खान का निधन हुआ था। साल 2002 में आज ही के दिन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने लोकेंद्र बहादुर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। साल 2005 में आज ही के दिन तीसरी अंतरिक्ष पर्यटक ग्रेगोरी ओल्सन पृथ्वी पर लौटे थे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।